नमस्कार, नारायण गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के लेवल्स बढ़ने से प्रेगनेंसी में क्या होता है, TSH किस वजह से बढ़ता है और उसकी ट्राइमेस्टर वाइज नॉर्मल लेवल्स क्या होनी चाहिए और हम किस तरह से TSH को कंट्रोल या मेंटेन रख सकते हैं। शुरू करते हैं गायत्री मंत्र और शांति प्रार्थना से। कमर सीधी, आंखें बंद। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या है और वो बॉडी में कहाँ रहता है, कहाँ सिचुएटेड है। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है जो हमारे गले में यानी कि विशुद्धि चक्र में इस एरिया में वहाँ पर सिचुएटेड है। ये ग्लैंड TSH सिक्रीट करता है, मतलब थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। जब भी थायराइड ग्लैंड काम कम करता है तब TSH वैल्यू बढ़ जाती है। उसका मतलब ये है कि थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन बढ़ के हमें ये बताता है कि थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग कम हो रही है। इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। यूजुअली लोगों को उल्टा लगता है कि अगर TSH कम है तो हाइपोथायरॉयडिज्म है या TSH ज़्यादा है तो हाइपर है, बट ऐसा नहीं है। जब थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है तो वो TSH की जो लेवल्स है वो बढ़ती है, तो उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे। TSH की नॉर्मल वैल्यू 5 तक रहनी चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में जो TSH की वैल्यू है ये नॉर्मल 5 से भी बहुत कम रहनी चाहिए ताकि आपका जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी रहे। और अगर आप कंसीव करने की भी कोशिश कर रहे हैं तब भी जो TSH की वैल्यू है वो नॉर्मल से कम होनी चाहिए। अब देखते हैं कि ट्राइमेस्टर वाइज TSH की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसकी वैल्यू 0.10 से 2.50 तक होनी चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसकी वैल्यू 0.20 से 3.00 तक होनी चाहिए और थर्ड ट्राइमेस्टर में TSH की वैल्यू 0.30 से लेके 3.00 तक होनी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल वैल्यू 5 तक एक्सेप्टेबल है, बट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये बिलो 5 चाहिए है। मैक्सिमम आपकी वैल्यू 3 तक जा सकती है, उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर उसके ऊपर जारी ही है तो आपको उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको भी थायराइड है उन्होंने स्पेशली ये ध्यान रखना है कि TSH की लेवल्स मेंटेन रहे। इवन फॉर कंसेप्शन लेवल्स मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। TSH की टेस्ट्स आपको एवरी 3 मंथ्स करानी चाहिए जब आप प्रेग्नेंट है, अदरवाइज़ ये टेस्ट आप एवरी 6 मंथ्स भी कर सकते हैं। जब थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग कम होती है तब बॉडी को TSH की बढ़ती हुई लेवल से पता चलता है कि थायराइड ग्लैंड काफ़ी वीक हो चुका है। TSH की लेवल के बढ़ने के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि टायर्डनेस होता है, पफी फेस होता है, वेट गेन होता है, जॉइंट और मसल पेन होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन, बालों का पतला होना, ड्राई हेयर, स्वेटिंग काफ़ी कम हो जाती है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, डिप्रेशन होने लगती है, मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, कंसेप्शन में बहुत इश्यूज होते हैं और इसके साथ साथ बेबी का माइंड भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है और ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। थायराइड की इश्यूज बहुत सारे चीज़ों के वजह से होती है, जैसे कि स्पेशली रेडिएशंस और हैवी मेटल के एक्सपोजर के वजह से थायराइड काफ़ी बढ़ता है। और दूसरा रीज़न ये है कि आपके बॉडी में आयोडीन की काफ़ी कमी है, इसके वजह से भी थायराइड के लेवल्स, थायराइड ग्लैंड का फंक्शनिंग काफ़ी वीक हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत मेजर फैक्टर है जो थायराइड की लेवल्स को बहुत यहाँ वहाँ कर सकता है।
इसके अलावा विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सब चीज़ों की वजह से भी थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग वीक हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी TSH की लेवल्स काफ़ी बढ़ जाती है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे आपकी जो TSH की वैल्यू है वो मेंटेन रहे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्लड टेस्ट कराएंगे और उस ब्लड टेस्ट में अगर निकलता है कि आपकी TSH की लेवल्स काफ़ी बढ़ी हुई है या 3 या 4 से काफ़ी ज़्यादा है, आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको आपकी डॉक्टर उसको कंट्रोल करने के लिए एक टैबलेट प्रिस्क्राइब करेगी। बेस्ड ऑन आपकी लेवल कितनी है उसके हिसाब से वो माइक्रोग्राम्स डिसाइड होते हैं। तो जो भी आपको आपकी डॉक्टर टैबलेट प्रिस्क्राइब करती है उस टैबलेट को आपको बिना भूले डेली रेगुलरली एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में सबसे पहले उसे लेना है। आपको ये गोली एक भी दिन मिस नहीं करनी चाहिए, इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इसके अलावा आप और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। एक आप उज्जयी प्राणायाम करिए और थ्रोट की एक्सरसाइजेस करिए, जैसे घुर्राना, सिंहासन करना, ये आप अगर करते हैं तो आपको बहुत इफ़ेक्ट होगा, आपका थायराइड ग्लैंड काफ़ी रिलैक्स होगा और उसकी फंक्शनिंग काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपको डेली रात में थायराइड ग्लैंड की हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए। आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं या ऑलमंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी ऑयल कंफर्टेबल है वो आप लीजिए और उससे हल्के हाथों से आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर या आपके गले के ऊपर मसाज करिए, इससे भी आपको इफ़ेक्ट गिरेगा। जिस तरह चक्रा हीलिंग और बैलेंसिंग वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमारे बॉडी में 7 अलग अलग चक्रास होते हैं, तो उन डिफरेंट चक्रास में हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन या हमारे बॉडी की पर्टिकुलर एरिया वो चक्रा को रिप्रेजेंट करती है, तो उसी तरह थायराइड ग्लैंड को विशुद्धि चक्रा रिप्रेजेंट करता है। विशुद्धि चक्रा का कलर भी ब्लू होता है और वो हमारे नेक रीजन वाले एरिया में सिचुएटेड है। तो अगर आप मॉर्निंग में जब भी आप सन गेजिंग करते हैं तो उस टाइम पे अगर आप सन के रेस का जो सन रेज है या जो सूर्य प्रकाश है उसको लेकर आपके विशुद्धि चक्र पे ध्यान केंद्रित करें और आप ये इमेजिन करें कि आपका विशुद्धि चक्र स्ट्रांग हो रहा है, जिस तरीके से उस वाले वीडियो में बताया है, अगर आप इस पर ज़्यादा फोकस करें तब भी आपका थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग इम्प्रूव हो सकती है। ऐसा करने से जब आप ऐसा करोगे तो उसके साथ साथ आप विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र जो कि हम है इसको चैंट करोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको मिनिमम 11 टाइम्स हम इस तरीके से चैंट करना है और साथ में ये इमेजिन करना है कि सनरेज आपके विशुद्धि चक्र पे गिर रही है और आपका जो विशुद्धि चक्र है वो स्ट्रांग हो रहा है। उसका मतलब ये है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड का फंक्शनिंग है वो बैलेंस हो रहा है। इसके अलावा आप शून्य मुद्रा कर सकते हैं, जो मैंने मुद्रा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाले वीडियो में बताया है। शून्य मुद्रा करने से आपको श्योर शॉट TSH की लेवल्स मेंटेन होती हुई दिखाई देगी, बट मिनिमम आपको 1 मंथ तक शून्य मुद्रा का फॉलो करना होगा। आप जो थम के नीचे ये जो एरिया है पूरी, इस एरिया को एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। ये एरिया भी आपके थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, तो जब आप इस पे एक्यूप्रेशर करते हैं तो आपके थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग नॉर्मल होती है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके बॉडी में विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि ऐसा पाया गया है जब जब विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी होती है उस इंसान को पर्टिकुलरली थायराइड के इश्यूज होते ही है, तो ये इंटरलिंक्ड है। या अगर आपको थायराइड के इश्यूज है तो आपको विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी होगी। तो आप ध्यान रखें कि जब आप थायराइड का ब्लड टेस्ट कराएं या TSH का ब्लड टेस्ट कराएं, TSH, T3, T4 ये टोटल पैकेज है, आप इंडिविजुअली TSH का भी करवा सकते हैं। जब आप ये ब्लड टेस्ट करवाएं तो इसके साथ साथ आप B12 और D3 भी चेक करिए। B12 और D3 इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इज़ ओके, बट थायराइड आपको तो रेगुलरली 3 मंथ्स में चेक करना चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो।
तो यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जब B12 की डेफिशिएंसी होती है तो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है, तो ये ना हो इसका आप खास ध्यान रखिए। खाते वक्त ब्रोकली, मूली, पत्ता गोभी यानी कि कैबेज, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, पालक, ये सब चीज़ें जिनको थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने कम खाना चाहिए। और अगर आप खा भी रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप इसे अच्छे से पकाकर खाएं, इसे रॉ नहीं खाना है या कच्चा नहीं खाना है, ठीक है। अगर आप पका के खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कच्चा कभी भी नहीं खाना है, कच्चा खाने से प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको कच्चा प्याज, आयरन रिच फूड और कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप आयरन रिच खाओगे तो B12 में आयरन में इम्प्रूव होगा, जो आपके थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करेगा। आप खाने में अदर ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पूरे खाने में कोकोनट का ऑयल यूज़ नहीं कर सकते तो आप डेली 2 स्पून्स ऑफ कोकोनट ऑयल मिल्क में मिक्स करके भी पी सकते हैं। ध्यान रखिए, जब आप कोकोनट ऑयल पी रहे हैं तो मेक श्योर यू यूज़ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। ऑयल, कोकोनट ऑयल में मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो थायराइड फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं और साथ ही साथ एनर्जी भी बूस्ट करते हैं, और इसके अलावा कोकोनट ऑयल कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने में काफ़ी मदद करता है। तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं जिससे आपके थायराइड लेवल्स मेंटेन रहे, आपके TSH के लेवल्स मेंटेन रहे। आपको ये ध्यान रखना है कि शुगर और कैफीन का इंटेक आप काफ़ी कम करें, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए, इससे थायराइड फंक्शनिंग भी अच्छा रहेगा और बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा होगा। आप व्हीट ग्रास जूस ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपको व्हीट ग्रास जूस कैसे बनाना है इसका प्रॉपर प्रोसीजर पता हो, और किस तरीके से लेना है इसका भी प्रोसीजर पता हो। अगर ये आपको पता है तभी आप व्हीट ग्रास जूस लीजिए। आप व्हीट ग्रास जूस अगर डेली लेते हो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ तो आपके थायराइड जो आपका जो TSH काफ़ी बढ़ा हुआ है वो इन अ नॉर्मल रेंज आ जाएगा। आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको खुद को स्ट्रेस फ्री रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस में रहते हैं तो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो थायराइड की फंक्शनिंग को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड आपके माइंड के स्ट्रेस को सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा, और उस वजह से आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम में स्ट्रेस के वजह से कॉर्टिसोल रिलीज हो जाएगा और हर सेल तक के थायराइड का जो थायराइड ग्लैंड के जो स्टिमुलेंस है, जो TSH के लेवल्स है, वो हर सेल तक जाती है। इस वजह से ये आपके पूरी बॉडी में रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप योगा और रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मैंने एक वीडियो रखा है तो आप उसे भी देख के उस टेक्निक्स को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स्ड रहिए। ध्यान रखिए, आपको ऐसी कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है जिसकी वजह से आपको मेंटली या इमोशनली स्ट्रेस आए या एन्जाइटी हो या फ्रस्ट्रेशन हो। मेक श्योर यू ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी और स्ट्रेस फ्री रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। हैव हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ प्रेगनेंसी अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।